गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज से स्टार्ट करते हैं अपन पाइथन प्रोग्रामिंग। देखिए पाइथन प्रोग्रामिंग अपन इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो व्हाट इज पाइथन? पाइथन एक जनरल पर्पस हाई लेवल इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पाइथन क्या है? जनरल पर्पस हाई लेवल एंड इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। पाइथन के फीचर्स क्या है? ये सिंपल है और ईजी है बहुत। दूसरा, हमारे जनरल पर्पस हाई लेवल इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। नेक्स्ट, क्रॉस प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, यानी कि आप क्रॉस विंडोज़ पे भी चला सकते हो, लिनक्स पे भी चला सकते हो, क्रॉस प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, ठीक, सपोर्ट करता है। दूसरा, हमारे पास इट इज़ फ्री, यानी फ्री है और ओपन सोर्स है। कैसा है पाइथन? क्या है? ओपन सोर्स है। तो इसका फीचर्स पहला क्या? सिंपल है, ईजी है, जनरल पर्पज़ हाई लेवल इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, क्रॉस प्लेटफॉर्म सबको सपोर्ट करती है, फ्री है और फ्री एंड ओपन सोर्स है। इसके लिए आपको कोई पैसा पे नहीं करना पड़ता। नेक्स्ट, कम्युनिटी एंड लार्ज इकोसिस्टम लाइब्रेरीज फ्रेमवर्क एंड टूल्स, यानी इसके अंदर आपके ह्यूज कम्युनिटीज़ है और लार्ज इकोसिस्टम्स एंड लाइब्रेरीज फ्रेमवर्क है, टूल्स हैं प्रोवाइड किए गए हैं, जिससे इस प्रोग्रामिंग की परफॉर्मेंस और इस प्रोग्रामिंग को बेहतर बनाते हैं। देखिए अब व्हाई डू यूज़ पाइथन? पाइथन किस लिए यूज़ करते हैं? देखिए पाइथन में हम आज की डेट में पाइथन हम विंडोज़ एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं, पाइथन में हम वेब एप्लीकेशंस क्रिएट कर सकते हैं, पाइथन में हम मोबाइल एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं, पाइथन में AI, ML, डेटा साइंस, इन सब में पाइथन यूज़ होता है। नेक्स्ट, पाइथन का यूज़ हम हैकिंग में भी करते हैं, टेस्टिंग, गेम डेवलपमेंट में पाइथन का यूज़ करते हैं, क्लियर। तो पाइथन का यूज़ क्यों क्यों हम पाइथन यूज़ करते हैं? पाइथन में हम विंडोज़ एप्लीकेशंस बना सकते हैं, वेब एप्लीकेशंस बना सकते हैं, मोबाइल एप्लीकेशंस बना सकते हैं, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, ML में यूज़ कर सकते हैं, डेटा साइंसेस में यूज़ कर सकते हैं, हैकिंग वगैरह में भी पाइथन बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, टेस्ट एंड गेम डेवलपमेंट में भी पाइथन का यूज़ करते हैं। अब पाइथन जो हमारे पास है, पाइथन देखिए, पाइथन के लिए समझ लीजिए प्रोग्राम। पाइथन जब एप्लीकेशन स्टार्ट होता है, तो पाइथन स्टार्ट होता है तो हमारे पास टेस्ट बिहेवियर, स्टॉप एप्लीकेशन एंड एडिट सोर्स, एडिट द कोड, कोड हमारे पास आता है, नो कंपाइल, डैड कोड और लिंकेज स्टेप्स। पाइथन में कंपाइल नहीं होता, पाइथन में क्या होता है? इंटरप्रेटर होता है। पाइथन प्रोग्राम सिंपल इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स एट रन, यूज द ऑब्जेक्ट दे आर कंटेंट, ऑब्जेक्ट्स को कंटेंट करता है, ठीक है। अब देखिए पाइथन को हमें अगर एनवायरमेंट स्टार्ट करना है, तो पाइथन को स्टार्ट करने के लिए हमारे पास इतने टूल्स हैं या इतनी आईडी हैं, जैसे पाइथन इंस्टॉल करना है, सबसे पहले हमें करना पड़ेगा python.org.downloads, PyCharms, Spider, Atom, Thorny, ये डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास आईडी हैं जिनका यूज़ करते हैं। अब देखिए सबसे पहले हम पाइथन को आज इंस्टॉल करना आपको बताते हैं, तो जिस पे क्लिक कर देते हैं पाइथन, इस साइट पे मैं आपको भेज दूंगा साइट्स का पूरा लिंक। जैसे इस पे आप क्लिक करोगे तो आपकी क्लियर, तो आप जैसे ही आप जाएंगे तो ये पाइथन वाली साइट खुल जाएगी। पाइथन के आप सॉफ्टवेयर देखिए, मॉड्यूल आपके पास ही देखिए डाउनलोड हो गया। अब इसमें यहाँ पे लिखा है डाउनलोड पाइथन 3.9.0, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। अब आप इसको जहाँ सेव करना चाहें वहाँ अपने डेस्कटॉप या डाउनलोड फोल्डर के अंदर सेव कर लीजिए, पाइथन आपका डाउनलोड हो जाएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको इसके लिए कोई भी एप्लीकेशन नहीं है। 26.9 MB का ये सॉफ्टवेयर है, क्लियर। ये आपका देखिए डाउनलोड होने लगा, यहाँ से आप इसको क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए डाउनलोड जब हो जाएगा उसके बाद हम यहाँ से इसको क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉलेशन चल रहा है, पूरा एक एक स्टेप्स बताऊंगा मैं आपको। अब इस पे आप इसकी फाइल पे आप क्लिक कर दोगे और रन बटन पे क्लिक कर दोगे। जब इंस्टॉलेशन, अब देखिए इंस्टॉलेशन की भी मांग, इंस्टॉल बटन पे आप क्लिक कर दोगे, यस, पाइथन आपका इंस्टॉलेशन होने लगेगी, ठीक। देखिए पाइथन इंटरप्रेटर, डेवलपमेंट लाइब्रेरीज 64 बिट, ये देखिए पाइथन आपका इंस्टॉल हो रहा है। पाइथन जब हम इंस्टॉल कर लेंगे उसके बाद इस प्रोग्राम को हम कंपाइल कराएंगे। इंस्टॉलेशन के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई आपको परचेज नहीं करना पड़ेगा, ओपन सोर्स है इसका प्लेटफॉर्म।
ठीक है, इसको आप इंस्टॉल कर लेंगे पूरी तरह से। साइट्स पर भेज दूंगा आपको, लिंक भेज दूंगा, ठीक है, तो आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक है, इसका एक और वर्जन आता है एनाकोंडा, उसको भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। अभी हम इस पे पाइथन, सिंपल पाइथन पे काम कराएंगे, फिर इसकी आईडी इंस्टॉल करके आईडी पे काम करना आपको बताएंगे। ठीक है, इसकी आईडी पे आपको बताएंगे। ठीक है, उसके बाद इसको हम क्या कर लेंगे, इंस्टॉल होने के बाद अब इसके इसको हम क्लोज कर देंगे। अब हम देखते हैं पाइथन हमारा ये इंस्टॉल हुआ कि नहीं हुआ, इसको हम चेक कर लेते हैं। तो स्टार्ट में जाते हैं, स्टार्ट में जाने के बाद हमारे पास देखिए पाइथन आ रहा है ना, पाइथन मॉड्यूल डॉक, और ये देखिए पाइथन हमारे पास IDLI, इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करोगे तो ये देखिए पाइथन का हमारे पास ये इंटरप्रेटर पूरा हमारे पास खुल जाएगा। इसमें देखिए दो तरीके से हम प्रोग्राम बना सकते हैं, एक तो डायरेक्ट हम यहाँ पे भी जैसे यहाँ पे टाइप कर देते हैं प्रिंट, और डबल कोड में हम यहाँ पे मैसेज दे जैसे दे दिया, मान लो हमने हेलो हेलो, यहाँ से भी प्रोग्राम को और इसको क्लोज एंटर। ये देखिए यहाँ पे भी हम प्रोग्राम डायरेक्ट टाइप कर सकते हैं, हमें जैसे सम चाहिए तो डायरेक्ट हम यहाँ लिख सकते हैं सम 2+3। अगर कोई मैसेज प्रिंट कराना, कुछ भी करना हो तो हम यहाँ किसका यूज़ करते हैं, प्रिंट का। इसके बाद देखिए हमने यहाँ से भी इसको ये, तो यहाँ से भी प्रोग्राम रन करा सकते हैं। नहीं तो हमारे पास दूसरा तरीका होता है, न्यू फाइल पर जाते हैं, न्यू फाइल पे जाके आपको जैसे कोई भी प्रोग्राम लिखना है, सिंपल आपको हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम लिखना है। ठीक है, थोड़ा सा इसका फॉन्ट बढ़ा लेते हैं हम। ठीक है, इसके बाद अप्लाई, ओके। अब देखिए यहाँ पे जैसे हम प्रिंट, सिंपल प्रिंट, डबल कोट में जैसे हमने लिख दिया वेलकम टू SICS, वेलकम टू SICS, प्रोग्राम को सेव। अब इस फाइल को सेव करेंगे, हम सेव करने के लिए हमारे पास से सेव करेंगे तो इसका जो एक्सटेंशन होता है .py क्या होता है, py, जैसे हमने यहाँ दे दिया डेमो, प्रोग्राम का नाम क्या दे दिया हमने डेमो, ठीक, और सेव। तो ये प्रोग्राम हमारा देखिए py नाम से .py, यानी पाइथन का एक्सटेंशन क्या .py। अब इस प्रोग्राम को देखिए यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, रन मॉड्यूल, क्या कर सकते हैं, रन मॉड्यूल। तो ये देखिए प्रोग्राम रन मॉड्यूल, हमारा प्रोग्राम आ गया वेलकम टू SICS। तो अब इस टाइप से हम इसमें प्रोग्रामिंग करते हैं, एक तरीका हमारे पास ये है। तो हम अभी इस पाइथन एडिटर पे ही काम करेंगे, क्लियर। तो पाइथन आप इंस्टॉल कर लीजिए, तो इंस्टॉलेशन का आपको तरीका बता दिए, सॉफ्टवेयर आप पूरा इंस्टॉलेशन कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हम आपको इस पर प्रोग्रामिंग बताएंगे। तो ये हमने आपको फीचर्स बता दिए पाइथन के, कौन कौन से फीचर्स होते हैं पाइथन में, कौन कौन से टाइप के एप्लीकेशंस यूज़ कर सकते हैं, कौन एप्लीकेशन हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो इतना आज आपको काम करना है, और इसमें मैंने बता दिया पाइथन में हमारे पास कंपाइलर नहीं, इंटरप्रेटर काम करता है। देखिए ये हमने बताया पाइथन के हमारे पास ये इतने बिंग्स पे रन, एटम पे रन करा सकते हो, पाई पे, देव पे रन, पाई चार्म पे, स्पाइडर पे, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो पे भी पाइथन रन करा सकते हो, थोनी पे रन करा सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास यहाँ पे एनाकोंडा, एक इसका एनाकोंडा भी आता है, एनाकोंडा भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो जितने टॉप पाइथन आईडीज़ हैं, इतनी पाइथन के हमारे पास क्या आईडीज़ हैं, इनमें किसी भी को भी आप डाउनलोड करके पाइथन की प्रोग्रामिंग कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास, अब हम नेक्स्ट क्लास देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में हमारे पास सिंपल हम वेरिएबल्स कैसे बनाते हैं, वेरिएबल्स पे काम कैसे करते हैं, तो वो आगे की प्रोग्रामिंग अपन देखेंगे। तो आज सिंपल हमने आपको बताया कि प्रोग्राम को, इसको इंस्टॉलेशन कैसे करना है, इस पर काम कैसे करना है। अब जैसे कल आए आप प्रोग्राम अपना ओपन करना है, तो आपके पास तरीका यही होगा, सिंपल इसको भी क्लोज कर दीजिए। सबसे पहले आप यहाँ पे जाएंगे, किसको ओपन करेंगे, पाइथन को ओपन करेंगे, पाइथन को लेंगे, यहाँ से ये पाइथन आ गया आपके पास। अब यहाँ पे जाने के बाद क्लियर कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लिया हमने, यहाँ से पाइथन का क्या ले लिया IDLE, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए हमारे पास खुल गया। अब आपको अपनी फाइल ओपन करनी, तो ओपन बटन पे क्लिक कर दीजिए, जहाँ पे भी अपने जिस फोल्डर के अंदर भी फाइल सेव की हुई है वो फोल्डर आपके पास यहाँ आ जाएगा, और उस फोल्डर से हम फाइल को क्या कर सकते हैं, ओपन कर। जैसे हमने डेमो बनाया था, डेमो को ओपन कर लीजिए, देखिए फाइल हमारे पास डेमो ओपन हो गई।
फिर इस प्रोग्राम को सेव करने के बाद आप न्यू फाइल पे जाके नई फाइल को क्रिएट कर सकते हैं। इस टाइप से हम इस पर प्रोग्रामिंग करते हैं। तो अभी हम पाइथन का जो वर्जन लेंगे 3.9.0, इस वर्जन पे हम काम करेंगे, ठीक है। ये हमारा एक इंटरप्रेटर है, इसी पे अपन पूरी पाइथन की प्रोग्रामिंग करेंगे। फिर हम थोड़ा सा जब आगे बढ़ेंगे तो हम यहाँ से जो आईडी, इसका मोस्ट पॉपुलर जो आईडी हमारे पास है, यूज़ करते हैं अपन पाईचार। कौन सा अपन यूज़ करेंगे इसमें, जो हमारे पास आईडी है, इसमें इंट्रोडक्शन में हमने आपको बताया है कि जो हमारे पास आईडी है, ये देखिए इतने टाइप्स की आईडीज हैं, पर इसमें जो हम यूज़ करेंगे वो हम यूज़ करेंगे पाईचार। कौन सी यूज़ करेंगे? पाईचार। आईडी हमारे पास, इस पाई चार्म को हम डाउनलोड करके इस पाई चार्म को अपन यूज करेंगे। तो अब ये आज हम सिर्फ इतना ही लेते हैं कि आप सभी लोग अपने सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लीजिए, ठीक है, इसको पाइथन को इंस्टॉल कर लीजिए, और कोई इंस्टॉलेशन में कोई प्रॉब्लम आए तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे, क्लियर। तो आज की क्लास सिर्फ है इंस्टॉलेशन ऑफ किसका, इंट्रोडक्शन एंड इंस्टॉलेशन, ठीक है। तो इतना आप करिए और कोई प्रॉब्लम आए तो आप हमें बताइएगा। थैंक यू।